बिहार में सरकार द्वारा प्रायोजित 37 हत्याएं हुई हैं, बिहार में शराबबंदी है और 2016 से हम लगातार यह उठाते रह रहे हैं कि यह पूरा पुलिस के मदद से पुलिस के द्वारा प्रायोजित जहरीली शराब और शराब का पूरे बिहार में घर घर वितरण हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान नहीं लेते हैं और यह कहते हैं जो शराब पिएगा मरेगा, जो शराब पिएगा वो मरेगा, जो शराब पिएगा वो जेल जाएगा और जो शराब बेचेगा वह हमारा टिकट पाएगा, हमारा उम्मीदवार होगा। पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, किसी सीनियर अफसर पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 37 हत्याओं का जिम्मेवार बिहार सरकार है और इस तरह की 15 से ज्यादा घटनाएं बिहार में हो चुकी है जो मीडिया के सामने है। इसके अलावा प्रतिदिन 3-4 व्यक्तियों की हत्याएं होती है। पुलिस कहता है कि तुम्हारा पूरा खानदान को हम जेल भेज देंगे अगर तुम इस बात को बाहर जारी करोगे। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध होगा कि कृपया कर एक तो नीतीश कुमार जी जिस तरह से विधानसभा में बात करते हैं वह मानसिक संतुलन खो चुके हैं। केंद्र सरकार को बिहार की कानून व्यवस्था पे संज्ञान में लाना चाहिए और इन 37 हत्याओं का जिम्मेवार महागठबंधन की बिहार सरकार के ऊपर शीघ्र कार्रवाई भी करनी चाहिए और उन पुलिस अफसरों पे कार्रवाई करनी चाहिए जो शराब बेचने वाले हैं वह सैकड़ों करोड़ के मालिक होंगे। जो शराब के साथ जो ये पुलिस प्रायोजित है, पुलिस 10,000 करोड़ कमा चुकी है, इन सभी पर और मुख्यमंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा आपके माध्यम से सरकार से